स्वाम और ठंड भी बड़ी ज्यादा होनी ठीक है। और मंडप के उपर आला जिदा से इदा करके बनाते करके नीचे नैचुरल जो ओरिजिनल फ्लावर होंगे उदा दे ही पूरी डेकोरेशन होती है। मैं दस ये दोनों कि दिमाग खाते एक काम वास्ते मैंने क्या दिमाग खाया ये सुनो शैंकी के उसमें लपेटे मुझे मत लपेटो ठीक है। मैं तुम्हारा ना वो विभीषण बन के साथ में चल रहा हूँ तो विभीषण ही रहने दो। दिमाग पूरा टाइम गर्म रहता है पूरी जिंदगी इनका बर्फ बन के चलो फिर भी सुनो भी सही कितने नहीं लग रही दिखाते हैं कि किस टाइप के झूमर जाने हो इस टाइप के जो कच वाले झूमर आते ना हाँ ये तो तुम मिल ही जाने तो जिदा एंट्रेंस इस साइड नाले असी उधर स्टॉल किदा कवर करने जिदा दोनों पासे है ना स्टॉल असी एक पासे कवर कर लेना जिहड़ा मेन कोर्स है वो असी मेन हॉल च रख लेना सारा ठीक है। और जिहड़ा सेंटर वाला पूरा एरिया है वह झूमर ना कवर हो गया जिहड़े दूसरी साइड के जिहड़ा इधर वाला ग्राउंड है उदे पर असी ना सिटिंग इदा बनानी जिदा स्क्वेयर च टेंट लाने ना एक कॉलम बन गया एक बन गया उदे विच सोफे कुर्सी वाला काम नहीं करना हाँ सारा सोफे का ही काम करना है क्योंकि स्टॉल सारे ने खाते जाना और अंदर होंगे रहना झूमर वाला ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना क्योंकि मंडप भी जड़ा है थोड़ा वड्डा बनाना क्योंकि सर्दी होनी और आसे पासे मतलब जिदा गद्दे वगैरह पहले ही लगा के रजाई वगैरह कंबल सारा रख देना ताकि किसी ने होना क्योंकि सवेरे सवेरे उधर स्वाम और ठंड भी बड़ी ज्यादा होनी ठीक है। और मंडप के उपर वाला जिदा से इदा करके बनाते करके नीचे नैचुरल जो ओरिजिनल फ्लावर होंगे उदा दे ही पूरी डेकोरेशन यहाँ पे आपको मल्टी चीजें देखने को मिलेंगी कुछ शादी की तैयारियां कुछ कैफे की तैयारियां 1.5 किलो हो गया देसी और यहाँ पे गणेश विसर्जन 5 किलो आलू 2 किलो प्रसाद के लिए सारा सामान पिछली बार और क्या बनाया था 5 लीटर हाँ सफोला रिफाइंड 5 लीटर हो गया तो अभी आज दुग्गल साहब हलवाई बने हैं तो इस पेशेंट का जो जाएगा ओवोक्योर सिरप ए 4-4 चम्मच सीपीवटी 1 KN 1 वृद्धिवादिका 1 ओवोक्योर सिरप AG 4-4 चम्मच और ओवोक्योर पाउडर BHE जो है वो आधा आधा चम्मच सुबह शाम का करना और ओवोक्योर टैबलेट ए सुबह 4 बजे गाय के दूध के साथ खानी है पीरियड्स के 5th डे से लेके 20 डेज तक। और ये अपने यहाँ पे देख रहे हैं क्या देख रहे हैं एंट्री ब्राइड एंट्री के लिए तो ये सारा सेट कर दिया थोड़ा सा बस शैंकी का वेट कर रहे हैं शैंकी मम्मी को लेने गए हुए हैं अभी यहाँ पे भैया के साथ बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे पूरा कि कैसे पूरी वेडिंग का थीम रहेगा कैसे पूरा उसको हम लेके चलेंगे ठीक है विद झूमर एंड ऑल जैसे वो मेरे को ना जब ये उपासना बात कर रहे थे तो मेरे को पता सुन के क्या आया दिमाग में ना वो चल रहा था ओम शांति ओम मूवी देखी है ओम शांति ओम यार 2007 में यार शाहरुख खान वाली जिसमें वो शांति प्रिया यहाँ पे बहुत बड़ा झूमर होगा और यहाँ से तो और यहाँ बालकनी होगी मेरे दिमाग में ना भाई आ रहा था कह रही भैया ऐसे झूमर होगा और मेरे दिमाग में ना ओम शांति ओम की वो और पीछे भैया सुनने वालो सुनो ऐस तो क्या नाम है अभी ये पूरा हमने सेट कर लिया साथ साथ ये अपना कर रहे हैं जो भी पेशेंट वगैरह बताओ वो जो कहते हैं ना वो एक नारी की फोटो बनती है 10 हाथ वाली लिटरली वैसे हो रखा है रेस्टोरेंट का साथ साथ में पेशेंट की भी कॉल चल रही है साथ साथ में प्रिस्क्रिप्शन चल रही है टेंट वालों का चल रहा है डेकोरेशन का चल रहा है अभी केटरिंग का रह गया है पर कल मैं वापस जा रही हूँ अरुण रुकेंगे तो इनको पूरी लिस्ट देके जाऊंगी यहाँ पे काम करना है यहाँ पे क्या है कि सारा हम देखो कह रहे हैं अगर नहीं हुआ तो आके तो मुझे ठीक है और शिकायत अरुण शैंकी को पुश करना मैंने कहा मैं बोलूंगा यार अगर नहीं किया ना तो तुम्हें बोलूंगा मैंने कहा ये नहीं कह रही शैंकी को बोलूंगी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पे रह के क्या है ना कि साथ साथ अपने सारे शूट्स करूंगा माइक वगैरह मैं लेके आ रखा हूँ शूट्स करूंगा एडिट वगैरह और जो अपनी मीटिंग्स वगैरह होती है वो ले लेंगे अभी वैसे मैं आपको जाएंगे छतरी पे चार्ज अभी 1 घंटे मेरी मीटिंग का टाइम होने वाला है फिर मैं जाऊंगा 5 बजे मीटिंग है तुम किसके साथ मीटिंग करते हो ऋतिक के साथ रोशन सही है भाई बॉलीवुड क्रिश फोर लीड रोल में आज आ रही थी यार तन्नू यार शूट करना शूट कर कि मैं काम कर रहा हूँ देखो हो गए ना दोनों इनके ऊपर का तो खोल तेरे को ना भी बस इतने ही बहुत है वैसे हाँ तो अपने हाथ दिखाओ वो सफेद हो गए पूरे ओहो डॉक्टर बन गया दहाड़ी पे जितने भी मजदूर बैठे हैं उनको बता दिया जाए कि लंच का समय हो गया है कृपया करके आ जाएं वरना जो भी
खाना आया है वो रखे रखे और ज्यादा गर्म हो जाएगा, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो आ जाओ आ जाओ। खाना आ गया अच्छा कर, ये भी आएगा वीडियो में, मैं फेमस होने वाली हूं बहुत जल्दी। कर ही दिया बेटा, लोग की बोलते पागल है तू, ब्लॉग के बीच दे हो दिया हरकत लगी हो नहीं क्या, कोई बात नहीं जेड़ा मैं पागल बोलता कोई तेरे क्या पागल ही है, है तो है क्या करिए, मैं अगली बार टी-शर्ट पहनानी पागल माथे पे लिखवा लो ना टैटू बनवा देता टी-शर्ट पागल। किसी का मेरे को कॉल आया था और कह रहे थे तनु मैं तो वाटर फास्टिंग पे जाऊंगा, और ये वाटर फास्टिंग ये वाटर फास्टिंग फास्टिंग है डाइट है डाइट ये क्या डाइट वाले तो हैं ये तो हम मतलब थोड़ा सा खाना इसलिए पड़ता है ना ताकि लोगों को पता चले कि भाई बाहर का बेकार खा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें पता है ना। तो यहाँ पे हमने प्लान किया है जैसे ओपन रूफ कैफे का, और यहाँ पे मतलब हमने ये प्लान किया कि जैसे एक्चुअली क्या यार हिमाचल में भी ना अभी मतलब ऐसी चीजें नहीं है जहाँ पे आप बर्थडे पार्टी कुछ थीम बेसिस या कुछ, हमारा तो बहुत ही ज्यादा विलेज है, तो एक ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया मतलब उस ट्रेंड को यहाँ लाने का जो मेट्रो सिटीज में है। तो यहाँ पे कुछ बैम्बू कॉन्सेप्ट ही मैंने सोचा है, जैसे हॉस्पिटल में आप लोगों को बहुत यूनिक लगा था कि उसमें एक हट, उसमें आप अपना प्राइवेट स्पेस लेके अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बहुत सारे कपल एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ को देना चाहते हैं, वाइफ हस्बैंड को। और यहाँ पे जो है ना ओपन रूफ में बिल्कुल हम जैसे बीन बैग हो गया इन सब से सिटिंग बनाएंगे बहुत ही ग्रीनरी कॉन्सेप्ट में, और आप लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इसमें क्या है ना उसके ऊपर जैसे डाल देंगे बीन बैग्स वगैरह, और यहाँ पे ना जैसे ही 5-6 बजे के बाद, क्योंकि ना पूरा एक बार साइड में दिखाओ पूरा खुला एरिया, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ना किसी पंखे की जरूरत ना किसी एसी की जरूरत, और बिल्कुल शांति। तो ना यहाँ पे जैसे बर्थडे पार्टीज वगैरह होगी, छोटी छोटी गैदरिंग्स वगैरह होगी, यहाँ पे मतलब पूरा हम वो डेकोरेट करके नीचे पूरा बीन मैक्स वगैरह डाल के मतलब बहुत ही अच्छे का, मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि ऐसा मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा मनाली धर्मशाला और फलाना भाई, वहाँ पे देखो बहुत हाई एंड भी है, लेकिन यहाँ पे 50 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा किसी ने देखा तो बहुत दूर की बात है, सुना भी नहीं होगा, हम मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे। करना क्या कि पीछे हटोगे और साइड में ऐसे क्रॉस वाली बॉर्डर अंधेरा कायम रहे दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है। मैं बताती हूँ इसने सोच रखा था मैं खोल लूंगा बस हो जाएगा, पर ये फिर उसके बाद सोचता है और भाई जैसे बोला उपासना ने वैसे होगा, तो शैंकी ने फिर उठा लिया है यार, ठीक है शैंकी कह रहा है मैं इसको यहाँ लगा के ही मानूंगा भाई, ये लगाओ लेके आओ, चलो चलो कील दो ठोक दो लगा दो नारकली को, एक मैं तो कह रहा हूँ बल्कि छोड़ो छत वत सारी दीवारें इन्हीं से रंग दो, चलो लगा देते छोड़ो ठीक है लगा देते डन। तुम सुनो मेरी बात, ऊपर जैसे मैंने बैम्बू का तुम्हें बता दी तुम समझ यार मैं दस, ये दोनों कितना दिमाग खाते काम बात पे, मैंने क्या दिमाग खाया, ये सुनो शैंकी के उसमें लपेटे मुझे मत लपेटो ठीक है, मैं तुम्हारा ना वो विभीषण मन के साथ में चल रहा हूँ, तो विभीषण ही रहने दो ठीक है ना ज्यादा चतरे मत बनो ठीक है, साला दिमाग पूरा टाइम गर्म रहता है पूरी जिंदगी इनका बर्फ बन के चलो, फिर भी सुनो भी सही ये इतना मम्मी ने सही काम जल्दी जल्दी मम्मी ने सही कहा था मम्मी ने मेरे को वीडियो भेजी, ये हिमाचल वाली मम्मी ने नहरिया से मेरे को ना रील भेजी, पता क्या था वो कह रहे कि ससुराल में दामाद की पता इतनी इज्जत क्यों होती है, क्यों होती है घर का तूफान से संभाल कर रखा तो यार अभी क्या है कि थोड़ा सा हम यार मतलब इट्स नॉट अबाउट कि कोई आर्ग्यूमेंट है, लेकिन सब अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं भाई जितना उसको, क्योंकि बेस्ट करने के लिए, तो अभी शैंकी के कुछ आइडियाज है, उपासना कुछ है, मेरे कुछ है, तुम अपना आइडिया दो, इसने आइडिया क्या दिया था पिंक करवा दो जीजू इसको, पिंक तेरी वजह से ये पिंक आए हैं, तूने वीडियो कॉल पे कहा था कि जीजू ये पिंक वाला सिलेक्ट करो ठीक है, हाँ ये पिंक पिंक करवा के रख रखा है तूने तेरी वजह से है, हाँ पिंक है ना, ये भी पिंक कह रहे जीजू एक पिंक मेरे लिए बीन बैग लेके आना, अभी तो मैं एक पूरा
पूरा रूम पिंक करवाऊंगी, है ना बारबी। वहाँ पे मैं गर्ल्स के बर्थडे करवाऊंगी गर्ल्स के, नहीं छोटे बच्चे बोलते हैं बेटा उसे। पूछ लो बताओ कौन कौन सी लड़कियों को पिंक पसंद है भाई, कमेंट कर दो इसके नाम का एक बार। मेरे को मारे ये मुक्का। हाँ पिंक हट भी है। हाँ पिंक हट कर देना। ये हर जगह हरा 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 भरा, हिमाचल वालों को क्या ग्रीन बहुत पसंद है। और अभी ना दीदी आएंगे ना ये सारा उतरवाएंगे दोबारा, कोई फायदा नहीं। नीचे उतर के देखो कि आई है, आपको अच्छा लग रहा है। एक मिनट पीछे हो ना, पहला कॉन्सेप्ट पूरा होने नहीं देना, पहले काम होने नहीं देना, पूरा मत देना, ज्ञान देना। पता नहीं आजकल के लोग ही ऐसे हैं। मैं लोग क्योंकि मैं आपको बताऊं लेटर चार पहिया मैं ले आई चार कहते ए नहीं बेल। क्या तेरा दिमाग है तू, दस इतनी मोटी खा गई है कि उसे फंस मेरे पास है इतनी 20 जा बेल ले। किसी ने ही इतना बढ़िया आइडिया सोचा होगा। उपासना ने कॉल में बिजी हो गई, जैसे कॉल में बिजी हो और ये सारा उतर जाएगा। ये जो जाल बुना जा रहा है ना, मैं तो शांति दूर ब्रो। ये किसके लिए बुना जा रहा है जाल, पहले ये बताओ। ए उसे थाल था तू बना के मेनू फसा लिया। इतना सोखे थे तुसी फंसी भी गए। हाँ अब पतला बंदा हो तो निकल जाता है, इतना बंदा निकल नहीं पाया। यो बहुत आर बहुत आर यो ऐसा फंसाया दीदी जी। मुझे लगता है तुझे फंसाने की जरूरत है, लोग आके फंसते होंगे पागल। चल लगी नहीं मारा ही नहीं मैंने। गाइस यहाँ से देखो कितनी प्यारी धूप आ रही है। पूरे गाड़ी सुनने का काम कर रहा है, फिर बाद में कहेगा जीजू बचा लो, पूरे गाड़ी सुनने का काम कर रहा है। और कर भी क्या रही है देखो, मैं भी यहाँ पे लगा दी, चलो मानना बहुत सुंदर लग रही है देखो ठीक है। और उसके बाद ये मन नहीं भरा यहाँ पे लगा दी ठीक है। उसके बाद अब ये चारों तरफ ग्रास ही ग्रास। मैं भी एक हद तक रोक सकता हूँ। जी जो ऐसे करते हैं ये सारा उतार मैं दो, मैं तो कह रहा हूँ सारा उतार दो, मैं तो कह रहा हूँ इससे बढ़िया इससे पहले उसका फोन कट ना, हम दोनों कंटी हो जाते हैं। हम चलते हैं वहाँ पे चाट खाने। चाट खाने शेंगी लेट हो गए, चाट खाने चलते हैं। चाट खाने मैं तो नहीं जाना, मैं तो साथ ही जाऊँगा। क्या था आधे घंटे में आ जाएगी ना भाई। सही है भाई ये सही है भाई ये सही है। जीजू ऐसे करते हैं ये भी उतारते हैं वो सारे भी उतारते हैं, सारी यही लगा देते हैं, ये ईंटें हटवा देते हैं, ये दीवारें हटवा देते हैं, पिलर हटवा देते हैं। क्या मैं तो मजे ले रहा था ये भाई उतारने में बहुत मेहनत लगी पर नहीं अच्छी लग रही है। और कोई मेरे साथ मेहनत करके अच्छे से लग रहा था बेचारे। मैं तो भाई पूरा ऊपर तक चढ़ा था। मैं बता दे रहा हूँ मैं बहुत धर्म संकट में पड़ता हूँ गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि अरुण ऐसा है, अरुण ऐसा है नहीं, अरुण को ऐसा बनाया गया है। बंद कर दूं मेरे को पता है शायद क्या बोलना है। सो गाइस अब हम यहाँ से अलविदा ले रहे हैं ठीक है, आज के लिए इतना बहुत था। तो ठीक है यार अभी वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलना, एक कमेंट मतलब देखो ये तो छोटे छोटे यार हम ना बिल्कुल फन वे में बहुत प्यार से कर रहे हैं ठीक है, इतना मतलब जितना बेस्ट हो सकता है हमारे तरफ से हम वो करके देंगे। और बाकी आप लोग तो यार पूरी जर्नी देख ही रहे हो, हर एक चीज़ में मेहनत लगती है। सबसे अच्छी बात यह कि जो हमारी फैमिली है ना, फैमिली मतलब आप लोग, वो सारे अप्रिशिएट करते हो। कमेंट्स में आप लोग बताया करोगे कि आपको जो हमारे फन बेंटर है वो कैसा लग रहा है। ठीक है मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।